दोस्तों बिहार दरोगा एवं बीपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित आज की रेट का न्यूज़ देख लीजिए और साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि आप लोगों का सबसे अधिक कमेंट ये रहता है कल बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया तो मेरा सी प्लस क्वेश्चन सही था फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है तो इसका क्या कारण है और अगर आप मार्क्स जानना चाहते हैं तो मार्क्स जानने का प्रोसेस क्या है और ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक मार्क्स दी जाएगी 2020 में बाईस सौ पदों पर बिहार दरोगा की वैकेंसी दिया गया था तो इसका पीटी एग्जाम होना बाकी है पीटी एग्जाम कब तक ली जाएगी तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे तो चलिए सबसे पहले न्यूज देख लीजिए यह प्रभात खबर का आज के रेट का न्यूज है सबसे पहले बी से संबंधित देख लीजिए इसके बाद बात करेंगे बिहार दरोगा की तो इस तरह से अधिक अंक लाने पर भी पांच अभ्यर्थी नहीं हो सके चयन तो इसका क्या रीजन है तो जब आप बीपीएससी में प्रोसेस इस तरह से है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस समय पोस्ट प्रिफ्रेंस देना पड़ता है कि आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं और पहले नंबर पर कौन कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं तो उस समय आपको सभी पोस्ट का डिटेल्स देना पड़ता है तो अब यहाँ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पोस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस में भरते हैं अगर आप दो तीन ही पोस्ट मान लीजिए देते हैं तो अगर आपका मार्क्स अधिक आया है तो दो तीन जो भी पोस्ट आप दिए उस पर सिलेक्शन हो जाएगा अगर मार्क्स कम आया है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और कुछ यहाँ पर कैंडिडेट का इस तरह से भी था कि कट ऑफ से अधिक

और जबकि कट ऑफ मार्क्स के समान अंक लाने के बावजूद आठ अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका तो चौंसठवीं रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी की ओर से कई असफल अभ्यर्थियों से ऐसे अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं जिन्हें कट ऑफ से अधिक या समान अंक लाने की बात कहकर अपने को चयनित करने का आग्रह किया है तो बी ने उनके अभ्यावेदनों के साथ उनको सफल घोषित नहीं करने की वजह भी गुरुवार को अपने वेबसाइट पर विस्तार पूर्वक बताई साथ ही इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी बताया जो समानक लाने की स्थिति में दो या दो से अभी अभ्यार्थियों को किसी एक का चयन के आधार पर बनते हैं तो सबसे पहले जो पांच कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ अधिक अंक लाने में तो इसका रीज़न यह है कि इंटरव्यू के समय में एक दो ही पोस्ट प्रिफ्रेंस दिया था जैसे मान लीजिए एस पोस्ट यहाँ पर पहले नंबर पर दिया था तो एस के बराबर मार्क्स नहीं आया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक यहाँ पर कैंडिडेट का बताया भी गया है अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे यहाँ पर यहाँ पर है काजल कुमारी का रोल नंबर दिया हुआ है ने केवल बिहार पुलिस सेवा यानी डीएसपी को पोस्ट प्रिफ्रेंस दिया था और जिसके लिए उसे पर्याप्त अंक नहीं मिले और अन्य सेवाओं में चयन के लिए इन पर विचार नहीं किया गया क्योंकि पोस्ट प्रिफरेंस सिर्फ एक ही दिया हुआ अगर दूसरा तीसरा या लगभग चौबीस विभाग से यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स था तो अगर दिया हुआ रहता तो किसी न किसी पोस्ट का सिलेक्शन हो ही जाता लेकिन सिर्फ़ एक ही दिया था इसलिए यहाँ पर नहीं सिलेक्शन हुआ है बाकी एक और कैंडिडेट का यहाँ पर बताया गया है और मार्क्स समान रहने के बाद यहाँ पर नहीं हुआ है तो जैसे यहाँ पर चार सौ पंचानवे है और मेधा क्र क्रमांक है तेईस सौ सत्ताईस ई बी तो सी कैटेगरी में फीमेल का जो कटअप गया है चार सौ पंचानवे फिर भी चार सौ पंचानवे नंबर लाने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है तो अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में ऑप्शनल का मार्क्स देखा जाता तो है ऑप्शनल तीन सौ अंक का है अगर ऑप्शनल में अधिक अंक है तो जो चार सौ पंचानवे लाए हैं और ऑप्शनल में अधिक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा अब अगर ऑप्शनल विषय में भी अगर समान अंक है उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है और डेट ऑफ बर्थ में जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक है यानी उम्र अधिक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर अब डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो उस कंडीशन में इंग्लिश अल्फाबेट नाम सीरियल नंबर से ले लिया जाता है ए लेटर वाले को पहले लिया जाता है अब अगर यहाँ पर किसी का सी से नाम है तो सी वाले को नहीं लिया जाएगा ए वाले को लिया जाएगा तो इस तरह का पैरामीटर है अगर समान अंक आता है तो ये हो गया बी के बारे में तो यहाँ से क्लियर हो गया तो जब भी आप पोस्ट प्रीफ्रेंस देते हैं अगर आप चाहते हैं कि, कि किसी ना किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए तो खास करके अगर आप बीपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या किसी दूसरे पोस्ट के लिए ही तो सभी पोस्ट प्रिफ्रेंस को आप भर दीजिए तो किसी ना किसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप नहीं भरते एक दो ही चॉइस देते हैं तो एक दो के बराबर अगर मार्क्स रहता है तो होगा सिलेक्शन नहीं तो नहीं होगा और बराबर के कंडीशन में इस तरह से होता ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर भी बताया गया न्यूज़ में भी दिया हुआ ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल का यहाँ पर मेधा क्रम में ऊपर रखा जाता है मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी समान अंक है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ समान रहने पर इंग्लिश अल्फाबेट के सीरियल नंबर से नाम के अकॉर्डिंग ले लिया जाता है तो इस तरह से है तो बी में जो मेरिट बनता है तीन सौ नंबर का जी एस पेपर वन है तीन सौ नंबर का जी एस पेपर सेकेंड है तीन सौ नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है और एक सौ बीस अंक का इंटरव्यू है टोटल एक हज़ार बीस अंक हो गया अब एक हज़ार बीस में से जैसे चार सौ पंचानवे एक कैंडिडेट का मार्क्स आया था तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिसका चार सौ पंचानवे मार्क्स आया होगा तो उस कंडीशन में ऑप्शनल का मार्क्स देखा जाता है अब अगर ऑप्शनल में आपका मान लीजिए डेढ़ सौ या दो सौ जो भी नंबर है अगर अधिक है तो ले लेगा अगर ऑप्शनल का भी मार्क्स समान है तो डेट ऑफ बर्थ अधिक उम्र वाले को लिया जाता है तो इस तरह से है अब चलिए दरोगा एग्जाम से संबंधित देख लीजिए दरोगा एग्जाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो दरोगा बहाली का अंतिम रिजल्ट जारी चौबीस सौ दो यानी टोटल जो वैकेंसी आई थी चौबीस सौ छियालीस पोस्ट पर और चालीस जो है एक्स सर्विस में भूतपूर्व सैनिक का पहले ही सिलेक्शन हो गया है असिस्टेंट जेल सुप्रिंडेंट के लिए फ़िजिकल नहीं था जो एक्स सर्विस मैन है सिर्फ मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन था तो 40 कैंडिडेट का पहले ही सिलेक्शन हो गया और उसमें जो सिलेक्ट नहीं हुए थे दरोगा और बाकी अन्य पोस्ट के लिए फ़िजिकल लिया गया था तो उसमें मैक्सिमम फिजिकल में फेल हो गया है क्योंकि उम्र अधिक रहता है तो इस कारण से पास नहीं हो पाता है तो इसलिए जेल सुप्रिटेंट के लिए फिजिकल नहीं रखा गया था तो, तो चौबीस दो हो गया और किस कैटेगरी से कितना सिलेक्शन हुआ इसमें बताया गया है तेरह जो है पुरुष सात महिला समी दो हजार बासठ दरोगा के लिए हो गया इसके अलावा सर्जेंट के लिए एक पुरुष अठहत्तर महिला दो और वहीं सहायक जेल अधीक्षक के लिए अस्सी पुरुष पैंतालीस महिला इस तरह से टोटल एक सौ पच्चीस अभ्यार्थियों का हुआ है सिलेक्शन और वैकेंसी जो दिया गया था अगस्त दो हजार उन्नीस में ही चौबीस सौ छियालीस पदों पर बाकी दरोगा से संबंधित यहां पर दिया हुआ है विज्ञापन निकाला गया था और बाईस दिसंबर दो हजार उन्नीस को दो शिफ्ट में पाँच लाख पचासी हज़ार आठ सौ उनतीस का पीटी एग्जाम लिया गया था पचास हज़ार बहत्तर पी एग्ज़ाम में रिजल्ट दिया गया था और मेंस एग्जाम उनतीस नवम्बर 2020 को लिया गया था और मेंस एग्जाम का रिजल्ट सोलह जनवरी को जारी किया गया था मार्च में इसका फिजिकल लिया गया था इसके बाद यहाँ पर फाइनली सत्रह जून को रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और अगर दरोगा एग्जाम में आपका मार्क्स समान रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है तो दरोगा एग्जाम में जो मेरिट बनता है दरोगा एग्जाम में सिलेक्शन का प्रोसेस टोटल तीन चरणों में है पीटी है मेंस है इसके बाद फिजिकल है तो मेरिट आपका जो बनता है मेंस में मार्क्स के अनुसार फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है तो फिजिकल में दो पेपर है पहला पेपर है समान हिंदी का हिंदी में सिर्फ आपको तीस मार्क्स लाना है और दूसरा पेपर है समान अध्ययन का समान अध्ययन में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है एक क्वेश्चन है दो एक क्वेश्चन है दो अंक का यानी टोटल दो सौ अंकों की परीक्षा ली जाएगी अब मेंस पेपर में समान अध्ययन में दो सौ जो अंक है यहाँ पर इसमें अगर आपका जितना अच्छा अंक आएगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा तो इस बार जो कट ऑफ गया है पचहत्तर क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का, का रिजल्ट हुआ है पचहत्तर का दो गुना डेढ़ सौ पे दो सौ में से डेढ़ सौ अंक पर रिजल्ट हुआ है तो दरोगा एग्जाम में अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान आ गया तो उस कंडीशन में इंग्लिश अल्फाबेट के सीरियल नंबर नाम से ले लिया जाता है तो अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो कट ऑफ में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है डेट ऑफ बर्थ इसलिए दिया हुआ रहता है कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है और अधिक उम्र वाले को ले लिया जाता है जिसका डेट ऑफ बर्थ कम है उसको छाट दिया जाता है ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में अगर दो कैंडिडेट का एक मार्क्स आया होगा उस कंडीशन में है बिहार में स्कूल कॉलेज जो खोली जाएगी जुलाई में कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री जी ने बोले थे कि जुलाई में स्कूल कॉलेज को ओपन करेंगे और सबसे पहले विश्वविद्यालय को खोली जाएगी इसके बाद कॉलेज इसके बाद स्कूल को इस तरह से तो जो भी पेंडिंग एग्जाम है पेंडिंग एग्जाम भी एक एक करके होना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले बात करते बिहार दरोगा एस एफ एग्जाम कब तक ली जाएगी अगस्त 2020 में बाईस पदों पर वैकेंसी दिया गया था तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग 2019 में चौबीस पोस्ट पर जो वैकेंसी दिया गया इसकी प्रक्रिया पूरा कंप्लीट करने के बाद 2021 की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो अब जो है चौबीस पोस्ट का फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है तो अब यहाँ पर बी का, का काम पूरा खत्म हो गया है अब आगे की प्रक्रिया जो करना है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है चौबीस सौ छियालीस सभी का लिस्ट जो है बी पी गृह विभाग को भेज देगा अब आगे की प्रक्रिया संबंधित जिला को करने है जिला में ज्वाइनिंग होगा इस तरह से तो अब यहाँ पर बी का काम खत्म हो गया अब जो अगला पोस्ट है बाईस सौ तेरह अब इसका एग्जाम लेना बाकी है फिर मेन्स एग्जाम फिजिकल ये प्रक्रिया तो अब ये भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ दिनों में नोटिस भी आ जाएगा एग्जाम डेट को लेकर अब जल्द से जल्द और एग्जाम होने का जो चांस है अगस्त अंतिम सप्ताह में अगर अंतिम सप्ताह में नहीं लिया जाता है तो सितंबर सेकेंड थर्ड वीक तक ले लिया जाएगा इससे अधिक लेट नहीं होगा अक्टूबर में दुर्गा पूजा है दुर्गा पूजा से पहले एग्जाम ले लिया जाएगा तभी आपके पास अगर अगस्त अंतिम सप्ताह में लिया जाता है तो सत्तर दिन का समय है अगर सितंबर में लिया जाता है तो तीन महीने का समय है तो अच्छे तरीके से तैयारी में सीरियस से लग जाइए अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट आएगा तो एक से डेढ़ महीने का ही आपके पास समय बचा हुआ रहेगा फिर बेहतर तैयारी आप नहीं कर पाइएगा और बिहार में फर्स्ट एग्जाम जो लिया जा रहा है जुलाई को बी एड का एंट्रेंस एग्जाम अब यहां पर का लिया जा रहा है तो बाकी जो भी और पेंडिंग एग्जाम है धीरे धीरे सभी लेना शुरू हो जाएगा और आप लोगों का कमेंट यह रहता है कि मेरा सी प्लस क्वेश्चन सही था फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ तो ये जो आपका सी प्लस क्वेश्चन सही है आपके अकॉर्डिंग बीपीएसएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की नहीं जारी किया गया तो इसलिए आप ये कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि आपका अस्सी प्लस या पचासी प्लस सही है हो सकता है कि जो बी आंसर जो कि के अकॉर्डिंग चेक किया हो उसमें आपका चार पांच क्वेश्चन गलत हो तो इसलिए आपका यहाँ पर जानून मांग ये होना चाहिए कि जो भी एग्जाम ली जाती है उसका क्वेश्चन पेपर दिया जाए एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर आंसर की जारी किया जाएगा अगर आप देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में आंसर की जो जारी किया जाता है तो चार से पाँच कम से कम क्वेश्चन का आंसर गलत रहता ही है फिर ऑब्जेक्शन का समय दिया जाता है और बीपीएससी का ही देखेगा तो लगभग दस क्वेश्चन का आंसर की गलत रहता है फिर ऑब्जेक्शन लिया जाता है तो इसके बाद लगभग दस क्वेश्चन में आंसर सुधार होता है तो चार से पाँच क्वेश्चन का गलत आंसर की रहता है तो अगर आपका अस्सी प्लस सही है तो अगर चार पाँच मान लीजिए गलत पे चेक किया गया होगा तो आपका पचहत्तर आ गया या पचहत्तर से कम भी आ सकता है तो इसलिए आपका यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ हुआ है। और आप यही मांग कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाए एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी किया जाए और आंसर की में जो भी त्रुटि हो ऑब्जेक्शन लिया जाए इसके बाद फाइनली रूप से आंसर की तैयार करके कॉपी चेक किया जाए तो अगर इस तरह से किया जाएगा तो अभी आपका ये कमेंट रहता है कि मेरा असी प्लस सही होने पर भी रिजल्ट नहीं हुआ तो ये आपका डॉट क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप फाइनली रूप से जान पाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और बी जो आंसर की जारी किया उसमें जो भी गलती रहेगा उस पर आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कोई भी एग्जाम का अगर आप देखेगा आंसर की जारी किया जाता है तो कम से कम चार से पाँच क्वेश्चन में जरूर त्रुटि रहता है फिर ऑब्जेक्शन लेने के बाद फाइनली रूप से आंसर की जारी किया जाता है बीपीएससी एग्जाम में भी इसी तरह से पी एग्जाम का जो आंसर की दिया जाता है तो उसमें लगभग दस क्वेश्चन का आंसर की में त्रुटि रहता है तो हर बार यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है इस तरह से क्लियर होता है तो यही मांग कीजिए अगर आप ये मांग कीजिएगा क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए तो ये डॉट नहीं रहेगा कि अस्सी पचासी बनाने पर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ अभी जो भी आपका अस्सी प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है ये आपके अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है कि बी कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो या फिर दूसरा ही माना हो तो इसलिए आपका यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ है और मार्क्स अगर आप देखना चाहते हैं तो बी में रूल ये है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद दिया जाता है तो ये भी आप मांग कीजिए कि जब पी एग्जाम होता है उसी समय रिजल्ट दिया जाता है तो उसी समय मार्क्स दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं दिया जाता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेन्स एग्जाम लिया जाता है तो मेन्स एग्जाम जब रिजल्ट दिया जाता है फिजिकल के लिए उसी समय मार्क्स दिया जाए जो भी कैंडिडेट मेंस एग्जाम दिए है और फाइनल रिजल्ट आने के बाद सभी का फिर से यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका मार्क्स दिखाया जाए जिस तरह से बीपीएससी में होता है तो पीटी एग्जाम के समय नहीं दिया जाता है और पीटी एग्जाम लिया गया था 2019 में अब आपको यहाँ पर मार्क्स दिखाया जाएगा फाइनल रिजल्ट के समय तो पिछली बार डेढ़ महीने में दे दिया गया था दो वैकेंसी में इस बार एक महीने में दे दिया जाएगा तो जुलाई तक आ जाएगा पंद्रह बीस जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्क्स तो यही मांग कीजिए कि जब एग्जाम हो उसी समय बताया जाए और आर का भी रिप्लाई नहीं दिया जाता है पी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो भी कैंडिडेट आर टी किए थे किसी का भी यहाँ पर नहीं दिया गया जवाब यही बताया जाता है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय रिप्लाई करेंगे तो अब आप आर कर सकते हैं जानना चाहते हैं और एम देखना चाहते हैं तो इसके लिए आर कर सकते हैं और अब आपको रिप्लाई दिया जाएगा क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट आ गया है